जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस पे। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक यंत्र जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं और आगे जब भी एग्जाम्स में आप बैठें तो देखकर आप बिल्कुल फटाफट सही टिक लगा सके। दोस्तों, एक वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में। मैंने तकरीबन 15 वैज्ञानिक यंत्रों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन किसका क्या यूज है अभी हम वन बाय वन इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सोनार। सोनार, जैसे कि आपको पता है कि आज कल चीन और पाकिस्तान से तकरीबन लगातार मतलब बहस का मामला चल रहा है भारत के साथ, तो इसी बीच एक हेलीकॉप्टर आया हुआ है। ठीक है, हेलीकॉप्टर MH-60 यानी कि जिसे रोमी हेलीकॉप्टर भी कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि भाई रोमी हेलीकॉप्टर जाओ और चीन की सारी आशिकी भुलवा के आ जाओ। ठीक है, बहुत कूद रहा है सब। ठीक है, तो चलिए सोनार के बारे में समझते हैं। देखिए, सोनार एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम पानी के अंदर हो रहे हलचल या किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी के अंदर पनडुब्बियां छुपी होती हैं सब, जिसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि पनडुब्बी की स्थिति क्या है, कितनी गहराई में है, कितनी मतलब संख्या में पनडुब्बियां हैं या कोई वस्तु है, ठीक है, कोई मिसाइल है। ठीक है, तो सोनार उसकी क्या करता है, जानकारी भेजता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे समझते हैं एनीमोमीटर की। ठीक है, एनीमोमीटर क्या करता है, वायु जो होती है एनीमोमीटर का कार्य क्या होता है कि वायु की गति को मापता है। ठीक है, वायु की गति को मापने का काम आता है आपका क्या, एनीमोमीटर। ठीक है, पाइरोमीटर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान देंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाइरोमीटर का इस्तेमाल हम उच्च ताप मापने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, उच्च तापमान को मेजर करने के लिए करते हैं। अब जैसे सूर्य का है, सूर्य के टेम्परेचर को मापने के लिए सिंपल सा वहां स्केल लेके चले जाएगा तो काम करेगा नहीं, तो पाइरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं बैरोमीटर की। बैरोमीटर का इस्तेमाल क्या है, बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं, वायुमंडलीय एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। चलिए आगे समझते हैं हाइड्रोमीटर। देखिए, इसका तो माप से ही समझना है, हाइड्रोमीटर यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है जल, समझ में आ रहा है, पानी, तो जल या पानी का ठीक है घनत्व मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं हाइड्रोमीटर का। अब समझिए हाइग्रोमीटर, ये था हाइड्रोमीटर, ये है हाइग्रोमीटर। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एक एक चीज को बारीकी से समझते चलना है। देखिए हाइग्रोमीटर का काम क्या है, हाइग्रोमीटर का काम यह है ना कि हवा का घनत्व मापना। ठीक है, वायु का घनत्व मापना ही हाइग्रोमीटर का वर्क होता है, इस मशीन से हम यही मापते हैं इस यंत्र से। चलिए लैक्टोमीटर क्या है, नाम से ही जैसा कि पता है। ठीक है, तो लैक्टोमीटर मतलब दूध की शुद्धता को मापता है, दूध के घनत्व को मापता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए स्टेथोस्कोप। एक तो देखते होंगे जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे ना, कोई प्रॉब्लम होती होगी तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब देखिए ना यहाँ दर्द हो रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, अच्छा लाओ अपना आला निकालते हैं यानी कि स्टेथोस्कोप, कान में लगाते हैं दोनों साइड से और उसके पाइप को, ठीक है, उसके मशीन जो होती है, ठीक है, स्टेथोस्कोप उसको आपके हृदय पे यानी कि धड़कन में लगाते हैं और सुनते हैं, कुछ चीजें सुनते हैं, तो आवाज किसकी होती है भाई, धड़कन की आवाज। तो यहां से क्या क्लियर हो गया आपको, स्टेथोस्कोप से हम ये पता करते हैं क्या, तो दिल की धड़कन, हम धड़कन का पता करते हैं। ठीक है, इसे मेजर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए स्फिग्नोमीटर। आपने देखा होगा कि जो बीपी मापते हैं उसकी मशीन को हम क्या बोलते हैं, इतना बड़ा जो होता है, ठीक है, और उसमें क्या करता है, प्रेशर को दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ हाथ में, समझ में आ रहा, तो ये चीज होती है स्फिग्नोमीटर से क्या मापते हैं, तो बीपी मापते हैं, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त के दाब को मापते हैं। चलिए आगे देखिए कैरेट मीटर। कैरेट मतलब कि जो सोने होता है ना, सोना, गोल्ड, तो उसकी शुद्धता को जांच करने के लिए हम कैरेट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए लक्स मीटर। लक्स मीटर क्या है, प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं, हम लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मेजर कर पाते हैं। चलिए आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, तो लाइक जरूर करें, है ना, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। ओके, देखिए रडार क्या है, रडार एक प्रकार का बेहद न्यू टेक्नोलॉजी का क्या है, उपकरण है, डिवाइस है। इससे हम हवा में हो रहे
रेडियो तरंगों के द्वारा, ठीक है, हवा में हो रहे रेडियो तरंगों की मदद से या उसके द्वारा हवा में हो रहे किसी भी हलचल को, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, किसी भी वस्तु की एकदम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, एकदम उसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, कितनों की संख्या में है, कितनी दूरी पर है, कितना बड़ा कितना छोटा है, तो ये रडार की मदद से ही हम जान पाते हैं, ठीक है। चलिए, रेडियो मतलब तरंगों के द्वारा हम सीख पाते हैं। चलिए इधर देखिए, सिस्मोग्राफ, देखिए सिस्मोग्राफ हम सभी लोग जानते हैं, तो सिस्मोग्राफ किसका काम आता है, तो वो आता है भूकंप की तीव्रता मापने का काम आता है सिस्मोग्राफ। कभी कभी पूछ देता है कि सिस्मोग्राफ को मापने की इकाई को क्या कहते हैं भाई, किस इकाई पे मापी जाती है, तो रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पे, ठीक है। एग्जाम वाला क्या है कि बहुत होशियार हो गया आजकल, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना होगा कि सिस्मोग्राफ से तो भाई भूकंप मापते हैं, ठीक है, लेकिन किस पैमाने से, तो रिक्टर, ठीक है, रिक्टर पैमाने में, ठीक है, पैमाने से या पैमाने में। चलिए आगे समझते हैं, फैदोमीटर, देखिए फैदोमीटर से क्या होता है, हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। देखिए सोनार को मैंने बताया था कि समुद्र के अंदर हो रहे हलचल या किसी पनडुब्बी वगैरह को पकड़ना हो, ठीक है, उसके अंदर की जानकारी करना हो, तो सोनार का प्रयोग करते हैं, जबकि फैदोमीटर से हम क्या करते हैं, समुद्र की गहराई को, ठीक है, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पॉलीग्राफ, देखिए आजकल इतना लोग झूठ बोल रहे हैं सर, ये मोबाइल जो है ना ये बहुत झूठ बोल रहा है, तो इसी के लिए वैज्ञानिकों ने क्या तैयार किया है, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या है, झूठ का तुरंत पता लगा लेते हैं, इसे हम लाई डिटेक्टर भी कहते हैं, लाई डिटेक्टर। झूठ अगर आप बोलिएगा ना तो क्या कर लेता है सब, इसी से जांच कर लेता है, बस यार ये छोटा झूठ बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक बार ध्यान से एग्जाम में बैठने से पहले चीजों को बढ़िया से रीड कर लें, ठीक है, वीडियो को देख लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद कारगर आपको साबित होगा। चलिए आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।